वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं आलू और मटर की सब्जी। इसमें मैंने दो आलू उबाल के लिए हैं, आलू और मटर उनको मैश करके लिया है। ठीक है, मटर पूरे ही रखे हैं लेकिन बॉईल करके लिए है, और ये ताज़ा मटर है। ठीक है, ताज़ा मटर जो अभी सीजन में मिलते हैं वही मटर है, और आलू को मैंने मैश करके लिया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सब्जी। पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर जाएगी इसमें थोड़ी सी राई, मस्टर्ड सीड जिसको बोलते हैं। फिर जाएगा इसमें हींग, ये दोनों अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम लोग एक प्याज बारीक कट किया हुआ और एक टमाटर, दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक अदरक का कच्चापन नहीं निकल जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसमें हल्दी, फिर जाएगी इसमें लाल मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा लाल मिर्च। ठीक है, और इसमें जाएगा एवरेस्ट का गरम मसाला, जो गरम मसाला आता है वो डालिएगा गरम मसाला। ठीक है, ये जाएगा एक चम्मच, बहुत ज्यादा मत डालिएगा। ये जाएगा एक चम्मच गरम मसाला, अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। ये थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, तो आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ पूरी के साथ भी खा सकते हो इसे आराम से। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला है। ठीक है, अब जाएंगे इसमें ये जो मैंने आलू और मटर मैश करके रखा है वो जाएगा। इसको अच्छे से हिला लेंगे पहले। इसके आप ड्राई सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी आज ग्रेवी वाली बनाऊंगी रोटी के साथ और चावल के साथ खाने के लिए। आप ड्राई भी बना सकते हो। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएगा एक गिलास पानी डालेंगे इसमें। ठीक है, और इसको उबाल आने तक हम लोग पकाएंगे अच्छी तरह से। वापस इसमें बॉईल आ चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। इसको ढक के नहीं पकाना है, ऐसे ही पकाइए, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हमने बॉईल करके लिए है और जो मटर है वो भी बॉईल करके लिए है। ठीक है, और थोड़ी देर इसको पकाएंगे। अब ये हमारी आलू और मटर की सब्जी रेडी हो गई है। इसको हम सर्व करेंगे एक बाउल में। बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप पानी पूरी भी बनाते हो तो उसके साथ भी ये सब्जी बना सकते हो। रगड़ा, जैसे रगड़ा पैटिस हम लोग खाते हैं, सेम टेस्ट लगेगा। ठीक है, ये हो गई सब्जी हमारी रेडी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर से, फिर ट्राई कीजिए।
दीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी कुछ इसमें एडिशन बताना चाहते हो, अगर कोई मसाला डालने से और टेस्ट अच्छा होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और जो मैंने बनाया है वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।